आलम के वकील एतजाज अहसन ने तौहीन अदालत केस की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज कर दिया। अखबारी तराश और मफरूजों पर वजीर आजम को सजा नहीं दी जा सकती, ठोस शवाहिद का होना जरूरी है, एतजाज अहसन के दलाए। वजीर आजम ने एनआरओ बरामद केस में तहरीरी बयान जमा करा दिया। तौहीन अदालत केस का फैसला होने तक समाअत मौखिर की जाए, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने कहा है कि काबीना में रद्दो बदल मामूल की बात है, मेरा इस्तीफा मामूल की बात नहीं। नेटो को सप्लाई की बहाली मुल्की खुद मुख्तारी के खिलाफ है, फैसला तस्लीम करेंगे दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के सरबरा मौलाना समीउल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके लियारी में पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए गए अफराद की रिहाई के लिए मुजाहिरा, पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। सैनकानी ने अपना तहरीरी बयान मेमो कमीशन में जमा करा दिया, मंजूर एजाज की तरफ से लगाए गए इल्जाम मुस्तरद। कोलचा के इलाके जिना टाउन में चेक पोस्ट पर फायरिंग, दो अहलकार जां बहक। इंडोनेशिया में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हजारों मजदूरों का जकार्ता में एहतजाजी मुजाहरा, सदारती महल तक मार्च।